वेलकम बैक टू माई चैनल हाउ आर यू ऑल वेलकम टू कैनेडा एज यू ऑल नो मैं कैनेडा आ गई हूँ एंड एक्चुअली मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए शूट करनी थी और बहुत अच्छा कॉन्टेंट लेके आई हूँ मैं आपके लिए इट्स रिगार्डिंग द मेबलिन ब्रांड एज यू ऑल नो दैट मेबलिन हैज लॉन्च सिक्स न्यू शेड्स फॉर इंडियन टोन स्किन लाइक इफ़ यू आर द बॉयन जिसको अभी तक अपना शेड परफेक्टली फाइन नहीं हुआ है इन मेबलेन बिकॉज अ मेबलेन इज अ ब्रांड विच प्रोवाइड्स वेरी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड वेरी गुड प्रोडक्ट्स विच आर वेरी वेरी नाइस टू योर स्किन ऑल्सो एंड दे नेवर हार्म यू एट ऑल तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ फोर प्रोडक्ट बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि मैं आपको अवेयर कर सकूँ कि मेवलिन का जो फाउंडेशन है जो न्यू बी फाउंडेशन है इट्स कमिंग विद सिक्सटीन आर ऑयल कंट्रोल एंड इट कम्स विद दिस एस पी एफ ट्वेंटी टू राइट इट्स वेरी नाइस फॉर यू ऑल एंड या लेट स्टार्ट विद द वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू ऑल नो वॉट टू डू यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो शेयर एंड कॉमेंट डाउन वट एवर प्रोडक्ट इज योर फेवरेट फ्रॉम द मेविल प्लान purchase link of these products are in the description so you can go and check it out anytime if any query regarding any of the product or any query regarding to my canada shifting you can comment down or either you can ping me on my instagram handle this is my instagram handle you can ping there that too also so let's start with the video it comes with the pump also as it's very travel friendly you can use your foundation anytime and anywhere so let's try and my shade is 230 shade, and it comes with a SPF 22 and 16 hour oil control. Also, since teenage, I've been using Maybelline Fit Me foundation, and it's the first foundation which i started in my like makeup when i bought this foundation when i was in a college and then i made the video tutorial of how to use this one so i have finished almost so many bottles and tubes of this maybelline fit me foundation so today i'm going to show you that it has come with this year they have launched six new shades for indian tone skin like if you are the one just copy the maybelline foundation like is foundation got shade perfect match hua so now market made six new shades i have so you can go and try it for स्किन इसका सबसे मुझे अच्छा पॉइंट ये लगता है इट द बेस ऑफ दिस फाउंडेशन इज वेरी फ्लॉलेस एंड यू फील वेरी लाइट इवन इन द समर्स ऑल्सो बिफोर यूजिंग दिस आई वुड रिकमेंड यू मस्ट ट्राई दिसमी डी स्मूथ प्राइमर यू ऑल नो दैट बिफोर यूजिंग एनी फाउंडेशन नॉट दिस वन एनी आपको सबसे पहले अपने फेस को प्राइम अप करना चाहिए प्राइम अप से क्या होता है कि आपकी स्किन एक तो बेस फ्लॉलर्स हो जाता है एंड उसके साथ आपके जो पोर्स हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं सामने वाले को लाइक बाहर सनलाइट में या नाइट की पार्टी में ये दिखता नहीं कि आपके फेस में कितने पोर्स हैं और आपकी फ़ेस कितनी अन है या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है द विटामिन ई विच इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंड इसका भी मुझे याद है कि मैंने छोटा ट्यूब सबसे पहले स्टार्टिंग में परचेज करा था अपने पैसे से एंड आई रिमेंबर दैट टाइम टू सो मैंने अपने ऑलरेडी फेस को स्किन केयर कर लिया है लाइक like, एंड गाइज यहाँ के कैनेडा में मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है सो प्लीज़ डोंट जज माई फेस पता नहीं कि यहाँ का पानी ऐसा है जो मुझे सूट नहीं कर रहा आई डोंट नो सो हल्का सा ही लिया है मैंने मुझे नहीं मिरर भी नहीं है और मैं बिना ट्राई के शूट कर रही हूँ तो अच्छे से मैं आपको मैंने पहले भी बताया था मैं अपने जो फेस प्राइमर होता है उसी को अपने आईलेट्स पे लगा लेती हूँ कई लोग आईज के प्राइमर को अलग यूज़ करते हैं बट मैं सेम यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इतना नहीं होता इतना सामान तो ऑलरेडी लगाने वाला होता है दिस प्राइमर एज यू सॉ ब्लेंड्स लाइक अ मॉइस्चराइज़र आपको उसको हार्ड जबरदस्ती वाला नहीं करना पड़ता है कि बीमेंड हो जा ऐसा कोई सीन नहीं है इसके साथ लाइक इट्स ब्लैंड वेरी स्मूथली एंड लाइक माई स्किन इज लाइक प्रॉपर मॉइस्चराइज लग रही है मुझे भी सो so, इसका भी परचेज लिंक आपको मिल जाएगा गाइम टू यूज़ द फाउंडेशन अगर आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपका फाउंडेशन का शेड नहीं पता है तो आप मेबलिन की साइट पे जाके ये वाला जो फीचर है वो यूज़ करके अपनी स्किन टोन का शेड पता कर सकते हो आपको एडिकुएट लाइट में अपना फेस रखना है और अपने फेस को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मूव करना है एग्जैक्टली exactly मैच आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड मिल जाएगा सबसे पहले इसको हैंड पे ट्राई करके देखते हैं ओके सो आई थिंक टू पंप आर इनफ फॉर मी राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग फोर अ पार्टी आई एम जस्ट कैजली गोइंग फॉर अ शॉपिंग यू कैन सी द कंसिस्टेंसी बहुत लिक्विडी काइंड ऑफ में नहीं है ना ही रनिंग में है बिकॉज इसका क्या होता है कि अगर फाउंडेशन आपकी रनि है तो बहुत जल्दी पानी पानी हो जाती है ड्राई है तो बहुत जल्दी ब्लैंड नहीं होती है तो इट्स एक्चुअली एक्ूरेट कंसिस्टेंसी ऑफ द फाउंडेशन आई विल नॉट प्रेफर यूजिंग द फिंगर लेट्स ब्लेंडिड विद द ब्रश ऑलवेज एंड I don't have a, a like mirror also proper. I'm going to apply it on the half of my face so that you can see the difference. And मैं उसको ज़्यादा layer up नहीं करूँगी so that आपको पता लग जाए, ठीक है? And what I also like to do, मैं अपनी under eye पे भी यही वाला brush घुमा लेती हूँ so that मुझे extra से अपनी eyes को correct करने की ज़रूरत ना पड़े. Okay. Either you can uh, blend it with your brush or with द ब्लेंडर टू बेनिफिट है कि आपकी स्किन सी आई एम यूजिंग माई स्पॉन्ज ऑल्सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन हाफ ऑफ माई फेस like this left side and the right side i have only applied the foundation on the right side of my face so yeah that aap dekh sako out this foundation mera face uneven lag raha hai like agar aapka koi like occasionally party ya choti moti aapko like kahin jana hai that definitely you can you one of my favorite foundation again i'm praising about this it's fit me poreless sabse bada benefit इसका कि ये 16 hour oil control karti hai aapki skin mein next step is again i'll do it on half of my face i'll use this 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 my most 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 favorite like the concealer is my sixth or seventh tube of this concealer मेरा सबसे पहला concealer जो life में था यही था because I was like not sure कौन सा use करना कौन सा नहीं तो I like have gone for this one and I am not regretting at all so this is like shade of the concealer I think it's 25 medium मैं देवान से यही वाला shade use करती आ रही हूँ अपनी skin के ऊपर एंड अगैन हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई जहाँ जहाँ एक्चुअली यहाँ के मेरे हो गए हैं पिम्पल्स तो आई एम गोइंग टू कवर देम वैसे अपने ब्रश के साथ मुझे ना कई बार ऐसा होता है कि मैं कंसीलर को ही एज अ बेस लगा के चले जाती हूँ और वो ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है इन फैक्ट सम बट अगर मुझे बिल्डअप करना होता है अपने मेकअप को तो मैं कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों यूज़ करना प्रेफ़र करती हूँ at the last i want to set my makeup with something so with the help of a brush i'm going to apply on this side so that you can see the difference on left and right side both okay uh, also it comes with the sponge also but i prefer using my brush and that's just as it's summer time i will not just like इसको ज़्यादा पाउडर ही नहीं करेंगे क्योंकि क्रीज लाइंस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा फिर वो केकी लगता है एंड अनइवन लगता है फॉर यू गाइज आई एम गोइंग टू ट्राई इट विद दिस ब्लेंडर ब्रश लाइक ब्लेंडर स्पॉज टू दिस सी इससे बहुत लगता है तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है ब्रश से बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है इट्स टाइम टू कवर अप दिस साइड ऑल्सो ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते ना ऑब्वियसली तो लेट्स कवर जैसा पेन आपको फटाफट से जल्दी मैं करके दिखाती हूँ अल्सो गाइज आई वॉन्टेड टू शेयर दैट अगर आपको अपना फाउंडेशन का शेड कन्फर्म नहीं होता है तो यू ऑल कैन डू देर इज़ अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें फाइंड माई शेड का कोई लाइक like, ऐप होती है देर यू कैन फाइंड योर परफेक्ट मैच ऑफ योर स्किन टोन आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर समटाइम्स लाइक कई ब्रांड्स का मुझे नहीं पता होता तो मैं वहीं से ट्राई करती हूँ मैं लिंक दे दूँगी आप ट्राई कर सकते हो वहाँ से और इधर यू कैन गो टू मॉल्स और द स्टोर एंड यू कैन ट्राई पेयर टू दिस इज नॉट माई फाउंडेशन ब्रश गाइज एक्चुअली मैंने आपको बताया था आई आईव शिफ्ट टू कैनेडा और मुझे अपना आधा सामान नहीं मिल रहा है बट आई वॉन्ट टू शूट दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल सो आई पिक अप दिस बेस लाइक दिस ब्रश इट हैज अ फ्लैट बेस सो आई ट्राइड यूज इन दिस तो या इट वर्क फॉर मी ओके ना द फाइनल स्टेप फॉर दिस साइड टू आई हैव टू पाउडर इट एंड फेस मेरा जो स्किन है बहुत ज़्यादा अनइवन पिगमेंटेड हो गई थी यहाँ पे आके एक्ने इफ़ यू लाइक पहले अगर आपने बिगनिंग में देखा हो तो एक्ने बहुत ज़्यादा थे अब मेरे थोड़े एक्ने कवर अप हो गए हैं लेयर्ड अप हो गए हैं विद द बेस और मुझे बिल्कुल हैवी भी नहीं लग रहा है और मेरी स्किन मुझे लग रही है कि इट इज़ ब्रीदिंग राइट नाउ तो या जल्दी से फटाफट से उसको फेस मैं अपना पूरा डन करके आती हूँ देन ऑल शो यू हाउ माई फेस इज लुकिंग आफ्टर दिस फुल बेस ऑफ मेकअप यूज दिस 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 टू एंड दिस with this these four products i have created this simple elegant and very natural and very neutral summary kind of look for any event casually party for that you can create this kind of base to